नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले डेमोक्रेटिक पार्टी उम्मीदवार और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को 23 नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्रियों का साथ मिला है और इन अर्थशास्त्रियों ने 228 शब्दों का एक पत्र कमला हैरिस के नाम लिखा। अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था पर कमला हैरिस की नीतियों की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि कमला हैरिस की नीतियाँ बेहद बेहतर हैं और बता दें कि इससे पहले जून महीने में 15 नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्रियों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन की तारीफ भी की। कमला हैरिस की तारीफ करने वाले अर्थशास्त्रियों में इस साल के नोबेल पुरस्कार विजेता मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में साइमन जॉनसन और डेरॉन एस मोगलू भी शामिल हैं। 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव है और उससे पहले कमला हैरिस को इन नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्रियों का साथ मिला है और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर हैरिस अपने प्रतिद्वंद्वी ट्रंप से पीछे हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए ज़रूर बताएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।